बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी प्रेप टू क्लास के लिए 9th वर्किंग की वीडियो है, जिसमें सबसे पहले इंग्लिश सीरीज़ स्टेप टू में पेज नंबर 17 एंड 18 निकालेंगे। पेज नंबर 17 पर हमारे पास हेडिंग है राइट ए टू जेड। हमारे पास कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स दोनों हमें करने हैं, ए टू जेड। मैं ये वर्किंग अपनी 8th वर्किंग की वीडियो में करवा चुकी हूँ, लिहाजा तमाम बच्चे अब खुद से ए टू जेड स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर्स लिखेंगे। इसके बाद पेज नंबर 18 पर आना है। पेज नंबर 18 पर हमारे पास हेडिंग है राइट ए टू जेड। यहाँ हमें सिर्फ कैपिटल लेटर्स लिखने हैं ए टू जेड, तो ए से लेकर जेड तक इस तरह सफाई के साथ कैपिटल लेटर्स लिखेंगे तमाम बच्चे। इसके बाद इसकी रीडिंग करनी है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ए टू जेड कैपिटल लेटर्स की अच्छी तरह लर्निंग करने के बाद हम नंबर सीरीज स्टेप टू में पेज नंबर 17 एंड 18 निकालेंगे। पेज नंबर 17 पर हमारे पास हेडिंग है राइट काउंटिंग 101 टू 150। यहाँ हमें काउंटिंग लिखनी है 101 से 150 तक। ये काउंटिंग मैं अपनी 3rd वर्किंग की वीडियो में करवा चुकी हूँ, लिहाजा तमाम बच्चे ये काउंटिंग लिखने के बाद पेज नंबर 18 पर आएंगे। पेज नंबर 18 पर हमारे पास हेडिंग है राइट काउंटिंग 151 टू 200। यहाँ पर हमें 151 से 200 तक काउंटिंग लिखनी है। 151 से 200 तक काउंटिंग मैं अपनी 4th वर्किंग की वीडियो में करवा चुकी हूँ। तमाम बच्चों ने ये काउंटिंग के पेजेस कंप्लीट करने के बाद हैप्पी किड सीरीज़ इंग्लिश बुक 3 पेज नंबर 4 पेज नंबर 4 पर हमें लेटर्स दिए गए हैं। हम लेटर्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स एंड रूट लेटर्स। स्काई लेटर्स, स्काई लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो ऊपर की 3 लाइनों में आते हैं। इन्हें अच्छी तरह पढ़ना है, ब ड क ल ट। स्काई लेटर्स की लर्निंग करने के बाद हम ग्रास लेटर्स पर आएंगे। ग्रास लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो सेंटर की 2 लाइंस में आते हैं। इनकी अच्छी तरह हमें लर्निंग करनी है, ए ख ए ई म न ओ इर स आ व एक्स ज। ग्रास लेटर्स की लर्निंग करने के बाद रूट लेटर्स पर आएंगे। रूट लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो नीचे की 3 लाइनों में आते हैं, ग ज प क्वा या। रूट लेटर्स, स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स और रूट लेटर्स याद करने के बाद हम उर्दू कायदा सिलसिला 2 में सफ़ा नंबर 6 की पढ़ाई करेंगे। सफ़ा नंबर 6 पर हमारे पास हेडिंग है दो चश्मी है को हरूफ से मिलाएं। यानी यहाँ पर हमारे पास दो चश्मी हैं को हरूफ से मिलाकर दिया गया है, इनकी हमें पढ़ाई करनी है। इस सफ़े की पढ़ाई मैं अपनी 8th वर्किंग की वीडियो में करवा चुकी हूँ, लिहाजा तमाम बच्चे इस सफ़े को अच्छी तरह पढ़ेंगे। इसकी पढ़ाई करने के बाद हैप्पी किड सीरीज़ मैथ 3 बुक 3 पर आएंगे। पेज नंबर है हमारे पास 3। पेज नंबर 3 में हमारे पास हेडिंग है सर्कल द करेक्ट थिंग। हमें सर्कल बनाना है द स्मॉलर थिंग इन द ग्रुप। हमारे पास यहाँ 4 ग्रुप्स दिए गए हैं सेम पिक्चर्स के, इनमें से जो स्मॉलर हों उन पर हमें सर्कल बनाना है। ये सर्कल मैंने आपको बनाकर दिखा दिए हैं स्मॉलर थिंग्स पर। इसी तरह हम सेकेंड एक्टिविटी पर आएंगे नीचे द लार्जर थिंग्स इन द ग्रुप। यहाँ पर हमारे पास 4 ग्रुप्स हैं, एक फ़िश का ग्रुप है, टर्टल हैं, फ्रॉग हैं और फिश हैं। तो हमें यहाँ लार्जर थिंग्स पर सर्कल बनाने हैं।
यहाँ पर भी मैंने आपको लार्जर थिंग्स पर सर्कल बना के दिखाए हैं। इसके बाद इसी के साथ हमारी 9th वर्किंग की वीडियो कंप्लीट हुई। अल्लाह हाफिज़।